नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कैंपेन के पार्ट 25 के बारे में, इससे पहले मैं पार्ट 24 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मेरे द्वारा डीआरडीओ, इसरो, ओएबी, बीएचएल, ओएनजीसी, सेल, डीएमआरसी, एनटीपीसी, इंडियन रेलवे टेक्निकल एग्जाम्स आदि के एग्जाम जो भी टेक्निकल क्षेत्र में आपके लिए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, के एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, नो विद मोर फैक्ट के साथ इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है, बेस्ट कंटेंट के साथ आज हम सीखने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको डे बाई डे स्किल को बूस्ट करना है, किस प्रकार से आपको इस कैंपेन में इनरोल होना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे आपको इनरोल होने के बारे में। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। दोस्तों, यहाँ हम सीखने वाले नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी के साथ में, किस तरीके से हम एमसीक्यू के साथ में नो विद मोर फैक्ट की जो हमारी एक मैथोलॉजी उसके साथ में सीखेंगे। सीखने के लिए बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। यदि आप एनी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं टेक्निकल क्षेत्र, जैसे आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, अप्रेंटिस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आईओसीएल कंडक्ट कराने वाला है, हाल ही में ऑनगोइंग है उसका, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, बने रहे टेक्निकल कैंपेन के साथ। चलिए चलते हैं आपके आज के सेशन की ओर। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेसेंट रोज ए जिगजैग रिवेटेड ज्वाइंट इज नोन एज। जिगजैग रिवेटेड ज्वाइंट जो होता है उसके जो उनके बीच की दूरी होती है, उस पिच को क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है, बैक पिच बोला जाता है, डायगोनल पिच बोला जाता है, डायमीटर पिच बोला जाता है डिस्टेंस को जिगजैग रिवेटिंग में। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, जैसे संयुक्त रिवेटेड, संयुक्त के आसन पंक्तियों में रिवेटेड के केंद्रों के बीच की दूरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कई बार दोस्तों होता क्या है, हिंदी की हमारी लैंग्वेज इस तरह की होती है, बिना इंग्लिश में पढ़े हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन, तो हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़ते हो तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि उसमें जल्दी समझ में आ जाता है। दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा वो डायगोनल पिच होगा। ठीक है, डायमीटर पिच तो होती ही नहीं है रिवेटेड जिग में, बट डायगोनल पिच, ये डायमीटर पिच जो आपको दिया हुआ ऑप्शन में, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है डायगोनल और डायमीटर में। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज होना नहीं है, हमें तो नो विद मोर फैक्ट के साथ जानना है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसमें चार टाइप्स की पिच होती है, नॉर्मल पिच, बैक पिच, डायगोनल पिच एंड मार्जिन एंड मार्जिनल पिच। ठीक है, मार्जिन को मार्जिनल पिच भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पिच क्या होती है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट रिवेट मेजर्ड पैरेलल। मेजर जो उसको मेजर किया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है पैरेलल में, जिसको डिनोट किया गया है किससे, ओनली पी से। तो पी हमारा कौन सा, पी हमारा ये हो गया। इसमें क्या दिया हुआ, पैरेलल में दो रिवेट्स के केंद्र के बीच की दूरी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसको पिच बोला जाता है। यदि यही चीज परपेंडिकुलर में हो, ये हमारी पैरेलल में थी, परपेंडिकुलर में बोल दिया जाए, जैसे कि परपेंडिकुलर बीच बैक पिच के लिए होता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन में होती है हमारी बैक पिच। ठीक है, यही चीज अगर हम परपेंडिकुलर में मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है बैक पिच। उसके बाद यदि हम इस तरीके से चेक करते हैं, इसके सेंटर से उसके सेंटर डायगोनल क्रॉस में चेक करते हैं, तो उसको बोला जाता है डायगोनल पिच, जैसा कि हमारा क्वेश्चंस में पूछा गया था। ठीक है, चौथी दोस्तों हमारी आती है मार्जिनल एंड मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच क्या होती है, प्लेट के एज से पहला जो रिवेट है उसके सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, मार्जिन। मार्जिन भी बोल सकते हो, कितना मार्जिन आपने छोड़ा हुआ प्लेट के एज से, और या फिर मार्जिनल पिच भी उसको आप बोल सकते हो। आई होप इस कंसेप्ट के साथ, इस थ्योरी के साथ में आपको सीखने में काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और आई होप इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है एग्जाम्स में, और एग्जाम जो दोस्तों कंडक्ट किया जाता है, एग्जामिनर किस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और किस लेवल पे पूछते हैं, वही हम सारे यहाँ डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डोली इज द नेम गिवन टू ए कैटेगरी ऑफ टूल यूज इन। डोली इन किस कैटेगरी का टूल है, जिसका यूज किया जाता है सोल्डरिंग में, पियर्सिंग सीट मेटल में, टेस्टिंग सीट मेटल में, शेपिंग सीट मेटल में। दोस्तों, डोली आप काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, डोली टूल, डोली टूल, डोली टूल करके, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डोली जो टूल होता है, आप यदि कभी मोची के पास गए हो चप्पल जूते सही कराने, तो उसके पास आपने कुछ
सॉलिड मेटल का एक पीस देखा होगा जिसको डॉली टूल बोला जाता है। तो मल्टी टाइप के हो सकते हैं, मैनी टाइप्स के हो सकते हैं, तो वही हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो डॉली यूज किया जाता है वो शेपिंग शीट मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए डॉली के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। डॉली इज द नेम गिवन टू ए कैटेगरी ऑफ टूल यूज्ड इन शेपिंग शीट मेटल। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था, जनरली डॉली इज सॉलिड वर्क मेटल, सॉलिड पीस होता है जो कि मेटल का होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? रेडियस एंड कर्वेचर में मूव, मतलब एक तरह से शेप देने के लिए। ठीक है, रेडियस की शेप देने के लिए, कर्वेचर की शेप देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में देखने में पता चल ही रहा होगा, ये हैमर के साथ में इसका प्रयोग किया था। ये एक एनविल के टाइप का है, जैसे आपने एनविल देखा होगा फोर्जिंग चैप्टर का, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट में, तो एनविल के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये एनविल के टाइप का डोली है। दूसरा ये फ्लैट डोली हो गया हमारा ये। ठीक है, तीसरा ये भी कन्वेक्स टाइप का है, और ये भी इस तरह का दोस्तों आपने देखा होगा मोची के पास में इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसके साथ में जो हैमर यूज किया जा रहा है, इसके साथ में हैमर का जो आगे का ये भाग है फ्लैटर के टाइप का होता है कुछ, जो कि हल्के कार्यों के लिए यूज किया गया है इसमें फ्लैटर। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप होती है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको आप समझ लीजिए ये प्लेट है। प्लेट को जो ऊपर की डोली की शेप है उसी की शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका डोली का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ये शेप इसकी इस टाइप की है, तो इसी शेप की डोली या वो सॉरी इस डोली के शेप की जो सीट है उसको, सीट को शेप देने के लिए इसका प्रयोग डोली का किया जाता है। ठीक है, आई होप इस कंसेप्ट के साथ आप काफी कुछ सीख रहे होंगे दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में रखे हुए मिलेंगे, तब आपको ध्यान आया कि हाँ टेक्निकल कैंपेन से हमने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंसिटिविटी ऑफ प्रिसीजन स्प्रिट लेवल इज, इनमें से सेंसिटिविटी क्या, प्रिसीजन लेवल की सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी मैं बता देता हूँ होता क्या है। सेंसिटिविटी होती है दोस्तों किसी भी जो प्रिसीजन स्प्रिट लेवल है उसकी एक्यूरेसी डिपेंड्स करती है सेंसिटिविटी पर। ठीक है, और सेंसिटिविटी नॉर्मली कितनी रखी जाती है, 0.02 से 0.05 प्रिसीजन के लिए पर मीटर। 1000, हमने मीटर को यहाँ 1000 mm में डिनोट कर दिया, क्योंकि यहाँ अगर mm लिखना पड़ता फिर यहाँ भी m लिखना पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ mm ही लिख दिया। 0.02 to 0.05 प्रति 1000 mm इसकी स्प्रिट लेवल की, प्रिसीजन वाले की सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफी बुक में आपको देखने को मिला होगा किसी में कि 500 के 100, तो उसमें 100 या 1000 में कंफ्यूज हमने नहीं होना है। ठीक है, ये होता है हमारा स्प्रिट लेवल। बात कर लेते हैं स्प्रिट लेवल में जो ये लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है। ये अल्कोहल बेस होता है, ये अलग अलग कलर का हो सकता है बट अल्कोहल बेस होता है लिक्विड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग रन आउट ऑफ द इंटरनल टेपर ऑफ मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल का जो इंटरनल टेपर है उसके अंदर कुछ ना कुछ रन आउट है, मतलब वो ओवरऑल, मतलब एक तरह से अगर हम मान लीजिए कि ड्रिल की बात करें, ड्रिल कर रहे हो आप, तो ड्रिल यदि आप 10 mm पर ड्रिल लगाया आपने तो वो 11 का होल बना रहा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसमें रन आउट का जो एक डोज है वो आ गया है, जनरेट हो गया है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम किस प्रकार के जो मेजरमेंट है, हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर हमारे गेज वगैरह, क्या किस चीज का यूज करेंगे, किस टूल्स का यूज करेंगे, तो उसी के बारे में पूछा गया है। ये है हमारा प्रिसीजन हाइट गेज, बी है टेस्ट मैंडल एंड प्रिसीजन हाइट गेज का यूज करोगे, सी है डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करोगे, एंड डी पूछा गया आपसे टेस्ट मैंडल एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करके। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, प्रिसीजन हाइट गेज से आप नहीं कर सकते हो, टेस्ट मैंडल प्रिसीजन हाइट गेज से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, डायल टेस्ट, सिंगल डायल टेस्ट यूज कर भी नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि टेस्ट मैंडल भी होगा साथ में आपका, टेस्ट पीस जो कि एक राउंड होगा, साथ में आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, इन दोनों के साथ आप मिलकर रनआउट को चेक कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं किस प्रकार से रनआउट को चेक करते हैं। ये आपने लगाया हुआ यहाँ पर टेस्ट पीस लगाया अपना टेस्ट मैंडल, उसके बाद आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हो। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाकर इस प्रकार से आप किसी भी रनआउट मशीन स्पिंडल की जो इंटरनल टेपर की उसको चेक कर सकते हो कि वो कितना आउट चल रहा है। ठीक है, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, सही कर सकते हो बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ए प्रेशर ऑफ ए बार कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए कॉलम ऑफ मर्करी विद ए हाइट ऑफ, हाई ऑफ। ठीक है, ये हाई नहीं है दोस्तों, ये हाइट नहीं है, हाई ऑफ है। ठीक है, कितना अधिकतम होता है,
ये आई ऑफ है, सॉरी इसको सही कर लेना, ठीक है। हाँ ओके, आई ऑफ है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कितना हाई ऑफ होता है, मतलब हाई कितना जा सकता है मरकरी का, जो एक कोरस्पोंडेंस जिसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हो, एक बार द्वारा पारा के स्तंभ में मेल खाता है जिसकी मतलब कितना अधिकतम जा सकता है, ठीक है। पूछा गया है इसमें 600 mm तक अधिकतम जा सकता है एक बार में परकरी का, जो मतलब जो परकरी मरकरी है, सॉरी कन्फ्यूजन हो जाता है मरकरी परकरी करके, ठीक है। मरकरी है उसमें जो हाई है कितना जाता है, 600 mm जाता है, 650 mm, 700 एंड 760 mm। तो 760 mm इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जान लेते हैं किस प्रकार से होता है, ठीक है। मरकरी का अगर हम जान लें दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है, mmHg, ठीक है। 1 mmHg इज इक्वल टू 133, मतलब 133 पास्कल, Pa मतलब पास्कल, एंड 760 mmHg कोरस्पोंडेंस टू 1 एटमोस्फियर वैल्यू, विच मीन्स इसका मतलब है एटमोस्फियर प्रेशर, ठीक है, दैट सपोर्ट्स ए कॉलम ऑफ मरकरी 760 mm हाई। इतना अधिकतम मरकरी का जो एक सपोर्ट एक बोला गया है, दैट सपोर्ट्स ए कॉलम ऑफ मरकरी, ठीक है, 760 तक अधिकतम होता है। एटमोस्फेयर प्रेशर कितना होता है, एक बार इक्वल टू होता है 760 mm। यदि इसको 760 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाता है, 760 सॉरी 76 cm, ठीक है, ऑफ एच जी मरकरी एट नॉर्मल सी लेवल में। नॉर्मल सी लेवल का अगर पूछा जाता है तो डेंसिटी ऑफ एच जी कितनी होगी, पी इज इक्वल टू पी कितनी, एच जी की मरकरी की डेंसिटी जैसे कि हम स्टैंडर्ड होती है 13,600 kg/m³, ये होती है मरकरी की, ठीक है। अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी मैंने आपको काफी बार पहले बता चुका हूँ, ठीक है, उसका मैंने प्रॉपर आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था। इसमें क्या मरकरी के पूछे गए, मरकरी का होता है 13,600 kg/m³, तो ये हमें याद रखना मरकरी की कितनी वैल्यू होती है डेंसिटी, और हाइट क्या है इसमें हमें दी हुई है, गिवन है 760 mm। यदि 760 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.76। इसी प्रकार इसका प्रेशर अगर हम निकालते हैं, प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, PgH, जिसमें जो पहला P होता है वो होती है हमारी डेंसिटी, जी होता है हमारा ग्रेविटी, एच होती है हमारी हाई वैल्यू, ठीक है। हाई वैल्यू कितनी है, तो 13,600 × 9.81, 9.81 जो कि ग्रेविटी वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षण वैल्यू, ठीक है, और 0.76 क्या हो गई हमारी हाई वैल्यू हो गई। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे न्यूटन मीटर कितना बार निकल के आता है, 1.013 bar प्रेशर जो हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो ये प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था, किस तरीके से आप प्रेशर को निकाल सकते हो। मैं अगर पढ़ाना ही होता आपको, खाली पढ़ाना होता तो ये क्वेश्चन बता के आपको निकल जाता, बट मुझे आपको पढ़ाना नहीं समझाना भी है, सिखा के जाना है, ठीक है। तो इसके साथ में नो मोर विद फैक्ट्रिक जो हमारा मेथड है हमने अपनाया हुआ है, उसी के साथ बढ़ते हुए हमने ये सब सीखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिब इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप स्लाइड एंड द सिविल बेस असेंबली ऑफ द कंपाउंड स्लाइड, इट्स पर्पस इज टू, इनमें से कौन सा पर्पस है, परमिट फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट, परमिट फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट द स्लाइडिंग सरफेस। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो स्लाइड बेस होती है हमारी, सिविल बेस असेंबली जो होती है, जैसे ही कंपाउंड स्लाइड है उसमें बीच में जो स्लैकनेस है वगैरह, उसको उसके अंदर जिब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, जिब का क्या कारण है लगाने का, ये पूछा गया है। परमिट फ्लो द लुब्रिकेंट बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस, स्लाइडिंग सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट प्रदान करने के लिए या उसको जाने देने के लिए। दूसरा है अलाउ डिसमेंटलिंग द टॉप स्लाइड इजिली, टॉप स्लाइड को इजिली डिसमेंटल मतलब खोलने के लिए। तीसरा है एलिमिनेट द बैकलेस ऑफ स्क्रू एंड नट इन द असेंबली, एलिमिनेट करना बैकलेस को, बैकलेस को रिमूव करने के लिए नट असेंबली से। बी ऑप्शन है एडजस्ट द स्लैकनेस डेवलप ड्यू टू बियर, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये स्लैकनेस को एडजस्ट करता है, ठीक है। स्लैकनेस जो इसके अंदर ज्यादा स्लैकनेस आती है उसको, स्लैकनेस को एडजस्ट करने के लिए जिप का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी बननी होगी जिप क्या होती है, तो समझ लेते हैं, जिप एक धातु की पतली पत्ती टाइप की होती है, पच्चड़ जिसे बोल सकते हो आप, पच्चड़ जैसे आप पच्चड़ लगाते हो ना उसमें हैमर में, ठीक है, उसको हैंडल को निकलने से रोकने के लिए, ठीक। इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिएगा, इसमें एक पतली मतलब पच्चड़ टाइप की होती है जो पूरी लंबी स्लाइड में लगाई जाती है जिसके स्लैकनेस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया डायग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
डेड सेंटर एज कंपेयर्ड विद द लाइव सेंटर बियर एंड रजिस्ट, डेड सेंटर कंपेयर्ड विद द लाइव सेंटर बियर एंड रजिस्ट कैसा होता है? नो फ्रिक्शन होता है, इक्वल फ्रिक्शन होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, मोर फ्रिक्शन होता है? डेड सेंटर ज़्यादा घिसता है कंपेयर लाइव सेंटर के अपेक्षा, तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? मोर फ्रिक्शन। उसमें फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन ज़्यादा होता है डेड सेंटर में। डेड सेंटर में फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होता है, इसका कारण भी हम समझ लेते हैं। लाइव सेंटर इधर आपको दिया गया, पहले जो डायग्राम को समझिएगा, इसमें क्या है, एक मैंड्रल है, मैंड्रल पे कोई एक बर्क मान लीजिएगा आपको, कोई आप बर्क है ये आपका, ठीक है, मैंड्रल है बीच में, मैंड्रल को हम कैरियर के साथ में डॉग कैरियर ड्राइविंग प्लेट लगी हुई है, डॉग ये हमारा डॉग कैरियर लगा हुआ है, और ये हमारा मैंड्रल, इधर हमारा टेलीस्टोक हो गया जिसमें डेड सेंटर लगा है, आपको बाकायदा दिख भी रहा होगा उसमें, और इधर हमारा हेड स्टॉक की साइड होता है लाइव सेंटर जो कि घूमता है, रोटेट करता है जॉब के साथ में। डेड सेंटर हमारा रोटेट नहीं करता, ये फिक्स रहता है। आप समझ ही सकते हो जो चीज़ जॉब के साथ में घूम रही है उसमें फ्रिक्शन कम होगा, जो चीज़ फिक्स है और उसके साथ में जॉब घूम रही है बट वो चीज़ फिक्स है, सेंटर फिक्स है, तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, डेड सेंटर में फ्रिक्शन कम होता है या ज़्यादा होता है, तो डेड सेंटर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी जो टिप होती है वो हार्ड की जाती है, जैसे कार्बाइड की भी लगाई जाती है, टिप्ड वाले भी होते हैं डेड सेंटर, दोनों का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ये हमें याद रख लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्रेड चेजिंग डायल, थ्रेड चेजिंग से हमें थ्रेड कैचिंग में कन्फ्यूज नहीं होना, ये थ्रेड चेजिंग डायल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से एक फॉल्स है, जो स्टेटमेंट इसमें दी गई है चारों ऑप्शन में कौन से स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है, गलत है थ्रेड चेजिंग डायल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा, थ्रेड चेजिंग डायल इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ लेथ कैरिज, ये एक एडिशनल पार्ट है जो अलग से लगाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। बी ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं, सारे ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। वर्म गियर ऑफ चेजिंग डायल इंगेज विद द लीड स्क्रू व्हाइल थ्रेड चेजिंग, बिल्कुल करेक्ट है। थ्रेड चेजिंग डायल स्टॉप्स रोटेटिंग व्हेन द हाफ नट लीवर इज इंगेज, बिल्कुल करेक्ट है। थ्रेड चेजिंग डायल इज यूज टू कैच द थ्रेड व्हेन थ्रेड ऑन लेथ, थ्रेड को कैच करने के लिए थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट गलत जो अभी गलत स्टेटमेंट है वो यही है, थ्रेड चेजिंग डायल इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ द लैथ, क्योंकि एक लैथ का एडिशनल पार्ट नहीं होता ये, तो उसी की एक एसेसरी होती है, मतलब एक तरह से बोलते हो जैसे आप कोई फोन लेके आते हो तो उसके ऊपर आप कवर भी साथ में लाते हो, तो इसी तरीके से ये एक एसेसरी होती है। इसका मतलब फिर ये तो नहीं होगा कि आपका कोई एडिशनल पार्ट हो गया, भाई वो तो फोन से ही जुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से हमें समझना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा, समझ लेते हैं एक बार डायगोनल के साथ में, ये होता है दोस्तों हमारा थर्ड चेजिंग डायल, ठीक है, जो कि लीड स्क्रू के साथ मैच होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये नीचे बर्म गियर होता है, बर्म गियर टाइप का होता है और इस पे यहाँ ग्रेविशन होती है 0, 1, 2, 3, 4 तक, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, जो हमारी ऑड नंबर की थ्रेड है उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो ये 6 वाले डिवीजन वाले भी होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 8 वाले भी थ्रेड चेजिंग डायल होते हैं, जिन पे 8 नंबर तक ग्रेविएशन होती हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आओ, बट हमें यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, चेजर अलग होते हैं और थ्रेड चेजिंग डायल अलग है, चेजर में कन्फ्यूज नहीं होना। चेजर एक हैंड टूल है जो कि थ्रेड की फॉर्म तैयार करने के लिए लेथ पर ही यूज किया जाता है, तो चेजर जो टूल होते हैं वो अलग होते हैं, टेंजेंशियल टाइप भी हो सकते हैं, वो डायगोनल टाइप भी हो सकते हैं और एक सर्कुलर टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। तीन टाइप के मोस्टली चेजर हैंड टूल्स होते हैं जो कि एक थ्रेड की फॉर्म तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो थ्रेड चेजर सॉरी चेजर में और चेजिंग डायल में हमने कन्फ्यूज नहीं होना है। साथ ही बात कर लेते हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग थ्रेड कैचिंग के लिए किया जाता है, तो थ्रेड कैचिंग की 2 से 3 विधियाँ और हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक विधि तो देसी भाषा में होती है, जैसे कि आप जो बेड होता है हमारा, बेड पर ग्रेविएशन देखी होगी आपने साइड में लेथ बेड पर, तो उस पर निशान लगाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है रिवर्स फॉरवर्ड कर, जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड की प्रक्रिया है, ठीक है, कैरिज को रिवर्स और फॉरवर्ड कर हम क्या कर सकते हैं, ये 2-3 विधियाँ ऐसी हैं जो थ्रेड कैचिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हीटिंग अप टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर आई मस्ट टूल स्टील वी क्विंच, स्टील को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करना फिर उसके बाद क्विंच कर देना, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों क्विंच किया जाता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे क्यों तो तुमने गर्म किया फिर क्यों उसको ठंडा कर दिया, तो ये क्यों किया जाता है दोस्तों, टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस मतलब इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। टू रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कभी भी बदलने के लिए क्विंच नहीं किया जाता, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। टू फॉल ऑफ स्केल, स्केल को फॉल ऑफ करने के लिए भी नहीं किया जाता। टू बिल्ड अप हार्डनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हार्डनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये हमें याद रखना है। आई होप इसी जो मेथड है हमारा, इसी मेथड के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन ए वर्क पीस हेल्ड इन बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच में से इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है सेंटर के बीच पकड़कर नहीं किया जाता। मैंने आपको नर्लिंग मल्टी टाइम बार पढ़ाया है, अंडरकटिंग व प्लंजिंग, प्लंजिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी एक अंडरकटिंग का प्रोसेस है प्लंजिंग द्वारा, ठीक है, तो ये आप समझिए अंडरकटिंग ही करनी है। तीसरा है हमारा थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग सेंटर के बीच पकड़कर कर सकते हैं। पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ एक मतलब नहीं कर सकते, ठीक है, यदि आप करते हो तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो, ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि पार्टिंग ऑफ को सेंटर के बीच पकड़कर ना ही किया जाए तो बेटर होगा। तो ही इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आज के आप टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 25 कैसा लगा आप कमेंट करिएगा एंड अपने दोस्तों को एक साथ शेयर करिएगा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि अभी तक दोस्तों आप इस सेशन में ज्वाइन नहीं हुए हो, इस कैंपेन में आप इनरोल नहीं हुए, तो आज ही कैंपेन में इनरोल होइएगा। हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पर यह अभियान स्टार्ट किया गया है, हमारे फेसबुक और टेलीग्राम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।